तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है ब्रोंकियल ट्री एंड ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। और ये जो है ये अपनी पार्ट थ्री वीडियो है अपनी लंग्स के ऊपर। तो इससे पहले अगर तुमने मेरी वो पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लंग्स के कितने लोब हैं और उसके स्ट्रक्चर रिलेटेड फ्रॉम मीडियास्टेनम, और पार्ट टू वीडियो में अपन ने देखा था रूट ऑफ लंग्स। तो आज अपन इसका फाइनल पार्ट देखते हैं जो कि है ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। और यार ये जो ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट जो है ना, ये बिल्कुल भी आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि क्या होता है ये इसको अपन इमेजिन नहीं कर पाते। तो मैंने तुम्हारे लिए क्या करा है, इसका पूरा एक 3D मॉडल ही बना दिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हें पूरा का पूरा जो ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना अच्छे से तुम इसे इमेजिन कर पाओगे ना यार, उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो अगर तुम मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो यार तुम हर बार देखते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ मेरी, और मेरा एक ही ट्राई रहता है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। उसके लिए मैं चाहे तुम्हारे लिए नोट्स बनाऊँ, या ये प्रिंट्स निकलवाऊँ, या 3D मॉडल दिखाऊँ, या खुद अपने हाथ से ऐसा मॉडल बनाऊँ, लेकिन मेरा एक ही मेन की रूल है कि आपको बेस्ट प्रोवाइड करवाना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में परफॉर्म करें। और फिर एंड में अपन ये भी देखेंगे किस किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें पूरी एनाटॉमी की वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको फिर लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक में आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था। सबसे पहले जो अपना लंग्स है, उसमें राइट लंग्स में अगर आप देख पा रहे हो तो इसको अपन ने तीन लोब्स में डिवाइड करा था, एक अपर, एक लोअर और एक मीडियल। वहीं लेफ्ट लंग को अपन ने दो लोब्स में डिवाइड करा था, एक अपर और एक लोअर। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो अपर लोब जो है इसको फर्दर अपन और लोब्स में डिवाइड कर देंगे और सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे, उसको अपन बोलेंगे ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। तो कुल मिला के क्या होता है, राइट लंग में आपके 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट में भी 10 होते हैं। दोनों साइड जो है अपन को 10-10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट देखने हैं। मतलब अपन ने जो तीन लोब लिए थे, अब इन लोब्स में अपन और सेगमेंट कर देंगे। तो मैं उसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ये भी लंग्स का ही डायग्राम है। ये अपन देख रहे हैं इंटीरियर व्यू से, ये सामने वाले व्यू से, देन ये अपन देख रहे हैं राइट व्यू से। मतलब अभी अपन ये इंटीरियर से देख रहे हैं, ये राइट व्यू जो है इस तरफ से व्यू है, ये राइट व्यू है। और एक है आपका मीडियल, मतलब मीडियास्टेनम वाला व्यू, जहाँ पे आपको रूट ऑफ लंग्स भी दिख रहा है। ये तीनों मैंने आपको सबसे पहले व्यू बताया। देन अभी जो अपर, ये जो अपर वाला आप देख रहे हो, जो अपर लोब जो है उसको अपन फर्दर तीन सेगमेंट में और डिवाइड कर देंगे अपर वाले को। तो अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो तो अपन ने क्या करा, अपर वाले को तीन सेगमेंट में और डिवाइड कर दिया, एक वन, एक टू और थ्री। ठीक है, तो अपन ने इसको और तीन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया अपर लोब को। देन ये जो मिडिल लोब है, देन मिडिल लोब को अपन अब दो सेगमेंट में और डिवाइड कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये मिडिल लोब है, तो मिडिल लोब को अपन ने कितने में करा, टू में, ये फोर और फाइव। तो बाकी के पांच सेगमेंट जो है पूरे आपके रहते हैं इन्फीरियर लोब पे। तो इन्फीरियर लोब पे कितने हैं आपके, फाइव सेगमेंट। तो इसको समझाने के लिए आपको राइट व्यू देखना पड़ेगा, ये पूरा राइट व्यू से अपन देख रहे हैं। तो लोअर में कितने मैंने बताया, लोअर में मैंने आपको बताया पांच, तो एक है सिक्स। देन सेवन वाला जो होता है ना, वो सेवन में एक्चुअली में आपका मीडियल साइड रहता है। तो उसको देखने के लिए आपको ये वाला मीडियल साइड देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको राइट व्यू से नहीं दिखेगा। तो एक है सिक्स, सिक्स सेगमेंट, देन सेवन, देन एट, फिर नाइन, फिर टेन। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको पूरे 10 सेगमेंट आपके बता दिए राइट लंग के। देन सिमिलरली अगर अपन देखें लेफ्ट वाले में, तो लेफ्ट वाले में पहले कितने लोब होते हैं, लेफ्ट में अपने हैं टू लोब्स, एक अपर और एक लोअर। देन लेफ्ट में दो लोब्स हैं, तो इसमें क्या होगा, अपर वाले में हो जाएंगे पांच सेगमेंट, देन लोअर में भी हो जाएंगे पांच सेगमेंट। टोटल इसमें हो जाएंगे 10 ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। तो सबसे पहले अगर अपन राइट वाले को और डिटेल में लें, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अपन ने क्या देखा था, अपर में है थ्री, देन मिडिल में है टू, देन सबसे नीचे हैं आपके पूरे पांच। तो जो अपर में जो थ्री जो रहते हैं ना, थ्री सेगमेंट, वो किस तरीके से रहते हैं, जो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट, वो बिल्कुल एपेक्स में होगा। तो जैसे इसकी लोकेशन है ना, वो है ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट के नेम होते हैं। मतलब सबसे पहले आपका है लंग्स, लंग्स में अपन ने कितने लोब में डिवाइड करा, तीन में, अपर, मिडल एंड लोअर। देन फिर जो अपने जो लोब्स होते हैं, उन लोब्स को फर्दर और डिवाइड करा सेगमेंट में, तो अपर वाले को तीन सेगमेंट में। तो जो तीन सेगमेंट के जो नाम है ना, जिस वो उसकी लोकेशन पे होता है। जैसे कि फर्स्ट, सबसे पहला सेगमेंट जो है फर्स्ट सेगमेंट, ये कहाँ है, सबसे एपिकल में है,
तो इसका नाम होगा एपिकल ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट। देन आप अगर आप इस डायग्राम से देख पा रहे हो, देन सेकंड वाला जो है ये पोस्टीरियर है। अगर उसमें आप इंटरनल व्यू से ना देख के राइट से देखो तो ये आपको पूरा क्लियर दिखेगा। एक है आपका पूरा एपिकल सेगमेंट, फिर सेकंड वाला आपका पोस्टीरियर है तो अपन इसको बोलेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट। देन ये वाला आपका इंटीरियर है तो अपन बोलेंगे इंटीरियर सेगमेंट। अब बेसिकली तुम कैसे ध्यान से सुन लो, जैसे ही मैं तुम्हें इस 3D मॉडल से बताऊंगा तो क्या होगा, तुम्हें सारे अच्छे से इमेजिन हो जाएंगे। और एक बार ये 3D में इमेजिन हो जाता है ना तो अपने आप वो याद हो जाता है, अपन को फिर एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इसे करने में। तो अभी अपन ने देखा ये जो अपर वाला जो है लोब, उसको 3 में डिवाइड करा, एक एपिकल, पोस्टीरियर और एक इंटीरियर। फिर अगर अपन मिडल में देखें तो मिडल में अपन ने देखे थे दो, तो यहाँ पर अगर आप 2 देख रहे हो, एक है आपका मीडियल में और एक है आपका लेटरल में, तो इसके मिडल वाले सेगमेंट का नाम हो जाता है, एक का है लेटरल वाले का लेटरल सेगमेंट, मिडल वाले का मिडल सेगमेंट। फिर इन्फीरियर में होते हैं 5, तो इन्फीरियर के जो 5 है जो सबसे ऊपर जो है ना, ये वाला, ये 6 वाला, तो सबसे ऊपर वाला 6 वाला जो है उसको अपन बोलेंगे सुपीरियर, सबसे ऊपर है तो अपन ने बोल दिया सुपीरियर। देन अपन ने क्या देखा था, 7th वाला, ये सारे इसके नाम भी लिखे हुए हैं लोब्स के, है ना, तो 7th वाला कहाँ था, अपन ने देखा था मीडियल साइड में, तो 7th है आपका मीडियल। वहीं आप 8 और 9 देखो तो ये दोनों क्या है, लेटरल में, तो इनका नाम है लेटरल लेटरल सेगमेंट। और ये 10 वाला, ये लास्ट वाला जो सेगमेंट है ना 10 सेगमेंट, ये आपका पोस्टीरियर में है तो अपन इसको बोलेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट। तो बहुत इजीली नाम है इनके याद करने में, 3D में जब तुम देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। तो अपर वाले के 3 सेगमेंट का नाम क्या है, एपिकल एंड पोस्टीरियर एंटेरियर, मिडल वाले का नाम है लेटरल मीडियल, एंड जो 5 वाला है उसमें सबसे पहले आता है, एक है सुपीरियर, देन 7th है मीडियल, देन 2 लेटरल है, 8 और 9 आपके हैं लेटरल लेटरल और 10 है आपका पोस्टीरियर। तो पूरा का पूरा मैंने आपके राइट के सेगमेंट दिखा दिए। वहीं अगर मैं लेफ्ट साइड जाएं तो लेफ्ट साइड क्या थोड़ा इजी होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड कितने लोब हैं, 2 लोब्स, तो अपर वाले में 5, लोअर में 5, तो अपर वाले के जो 5 जो होते हैं ना वो इससे थोड़े डिफरेंस रहते हैं। अपन ने यहाँ पे क्या देखा, इधर अपन ने देखा था एक एपिकल, लेकिन लेफ्ट वाले में ऐसा नहीं है, लेफ्ट वाले में क्या रहता है, यहाँ पे एपिकल में 2 रहते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 2 लिखा है, मतलब एक होता है एपिकल इंटीरियर, अगर आप यहाँ से भी समझो, एक है एपिकल इंटीरियर और एक है एपिकल पोस्टीरियर, मतलब कि ये जो एक जो आपका एपिकल दिख रहा है ना उसको अगर मैं काटूँ बीच में से, तो एक ऊपर है तो अपन उसका एपिकल तो बोलेंगे, तो एक इंटीरियर में है तो हो जाएगा ए ए एपिकल इंटीरियर, और एक पोस्टीरियर में है तो अपन बोलेंगे उसको एपिकल पोस्टीरियर। तो कुछ इस तरीके से होता है। उसके अलावा एक 3rd वाला क्या है, इंटीरियर साइड में है तो उसको बोलेंगे अपन इंटीरियर, मतलब इससे क्या, इसका क्या डिफरेंस है, राइट वाले में था एक एपिकल, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर, लेकिन लेफ्ट वाले में क्या होता है, एपिकल के 2 हो जाते हैं, एपिकल इंटीरियर, एपिकल पोस्टीरियर, उसके बाद एक इंटीरियर। उसके अलावा 4 और 5 जो हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो एक है सुपीरियर दूसरा है इन्फीरियर, ठीक है। देन अपन आते हैं लोअर लोब पे, देन लोअर लोब का जो सेगमेंट है ना, देन उसमें है पूरे 5, देन सिमिलर उसमें बिल्कुल जैसे अपने लोअर लोब के इस साइड थे ना, देन सेम टू सेम इस साइड भी होते हैं, एक हो जाएगा सुपीरियर, देन 2 लेटरल और एक पोस्टीरियर। तो उसको क्या, तुम बेसिकली अभी तुमने सुना तो थोड़ा तुम्हें ऐसे अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन अब 3D में जब मॉडल से दिखाऊंगा ना देन वो पूरा अच्छे से इमेजिन हो जाएंगे। तो सारे मैंने आपको क्या बता दिए, ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट। देन अपन फिर एक सेगमेंट को भी फर्दर और डिटेल में अपन देखेंगे। तो अब अपन देख लेते हैं इसका ब्रोंकियल ट्री। तो उसको दिखाने के लिए अगर हम आपको ये डायग्राम, इसको 3D मॉडल को इधर रखता हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ट्रैकिया है, ये पूरा ट्रैकिया है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 प्राइमरी ब्रोंकियोल में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा ट्रैकिया जो है ये अपना 2 प्राइमरी ब्रोंकियोल में डिवाइड हो रहा है, ये ट्रैकिया। देन अपन इस डायग्राम में भी देखा है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब राइट वाले को अपन क्या बोलेंगे, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, देन लेफ्ट को अपन बोलेंगे लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। देन ये जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस जो है, फिर ये क्या करता है, ये हर लोब में, ये आप हर लोब के लिए एक सेकेंडरी ब्रोंकस सप्लाई करता है, मतलब कि अपने राइट में कितने लोब्स देखे, 3, तो इसके अंदर क्या होंगे, 3 सेकेंडरी ब्रोंकस होंगे। अगर आप देख पा रहे हो, ये अपर के लिए, ये मिडल के लिए और ये इन्फीरियर के लिए। वहीं अपन ने लेफ्ट साइड में कितने लोब देखे थे, 2,
तो यहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ दो सेकेंडरी ब्रोंकस होंगे, एक ये अपर लोब के लिए और एक ये सेकेंडरी लोब के लिए। मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका आया ट्रैकिया, ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकस और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। देन ये तो प्राइमरी ब्रोंकस जो है ये आपके हर लोब के लिए अलग से एक सेगमेंट दे देते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई। तो ये है अपर लोब के लिए, राइट में एक होता है अपर लोब, तो ये अपर लोब के लिए सेकेंडरी लोबार ब्रोंचाई। देन ये मिडिल लोब के लिए और ये लोअर लोब के लिए, लेकिन लेफ्ट में दो ही लोब होते हैं, एक अपर और एक लोअर, तो यहाँ पर सिर्फ दो सेकेंडरी ब्रोंकाई वो देगा। देन फिर अपन ने क्या देखा था, जो अपर लोब जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अपर लोब अपने डिवाइड होता था तीन पार्ट में, अपन ने देखा था ना। अपर लोब को भी अपन फर्दर कितने सेगमेंट में डिवाइड करते थे, ब्रोकियो पल्मोनरी सेगमेंट में। तो अपर में मैंने आपको कितने ब्रोकियो पल्मोनरी सेगमेंट बताए थे, तीन। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो सेकेंडरी जो ब्रोंकस होते हैं ये आपके अपर लोब में चली गई। देन अपर लोब में जाने के बाद ये क्या करेगी, हर सेगमेंट को, हर ब्रोकियो पल्मोनरी सेगमेंट के लिए एक अलग से ब्रांच दे देगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टर्शरी। पहले आई प्राइमरी, फिर आई सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद आता है टर्शरी। और जो टर्शरी जो है ये आपका हर ब्रोक्यो पल्मोनरी सेगमेंट के लिए अलग होती है। हर टर्शरी वाली जो है हर ब्रोक्यो पल्मोनरी सेगमेंट के लिए अलग है। तो अपन ने अपर लोब में कितने लोब, तो अपन ने अपर लोब में कितने सेगमेंट देखे थे, तीन। उनके नाम था एक एपिकल, इंटेरियर, पोस्टेरियर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है वही नाम के आपके हो गए टर्शरी ब्रोंकाई। तो ये एक आपके बिल्कुल एपिकल में है ना, तो एक है एपिकल, देन ये है इंटेरियर और ये है आपकी पोस्टीरियर। तो इसी तरीके से ये बनाया है। देन अपन ने सेकेंड में अपन आते हैं मिडल लोब में। मिडल लोब में कितने सेगमेंट होते हैं, टू। एक है मीडियल, ये मीडियल साइड वाला है मीडियल। देन एक ये है लेटरल। देन फिर अपन ने लोअर लोब में अपन ने देखे थे पांच पांच ब्रोकियो पल्मोनरी सेगमेंट। अगर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, एक दो तीन चार पांच दिख रहे हैं, अपन ने देखे थे इसमें फाइव। एक था सुपीरियर, तो सबसे पहले ये है ब्लैक से सुपीरियर। उसके बाद दो लेटरल थे, तो यहाँ पे होगा टू लेटरल। एक मीडियल में था, तो एक ही मीडियल और एक ये है पोस्टीरियर। तो सारे मैंने आपको सेगमेंट बता दिए। एंड इसकी नंबरिंग कैसे होती है, ये सबसे पहले आपका आएगा एपिकल वाला वन, फिर सेकेंड पोस्टीरियर, फिर थर्ड इंटीरियर, देन फोर लेटरल, देन फाइव मीडियल, फिर पहले इधर करके फिर आप इधर आ जाना, देन सिक्स सुपीरियर, सेवन मीडियल, फिर एट लेटरल, नाइन लेटरल और ये टेन जो है ये टेन पोस्टीरियर। तो ये पूरे मैंने आपको 3D मॉडल से बता दिए। और इससे अगर तुमने अब एक बार देख लिया ना, तो तुम्हें अच्छे से इमेजिन हो गया होगा कि किस तरीके से आपके टर्शरी ब्रोंकल जो किस तरीके से आपके टर्शरी ब्रोंकाई जो हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकाई से निकलते हैं। फिर अपन आ जाते हैं ये वाले साइड में, लेफ्ट में। तो सिमिलरली लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस आया, देन दो लोब्स हैं, तो उसने दो सेकेंडरी ब्रोंकल ब्रोंचाई दे दी। देन ये सेकेंडरी ब्रोंकल ब्रोंचाई जो है अपन देखते हैं अपर लोब की। अपर लोब में कितने तरह थी, पांच। तो सबसे पहले ये, अब आप देख रहे होंगे ये एपिकल है। देन एपिकल में भी यहाँ पे दो हैं, ये इंटेरियर और ये पोस्टीरियर। तो एपिकल है तो अपन दोनों को अपन एपिकल तो बोलेंगे। अब एक है इंटेरियर, तो अपन उसको बोलेंगे एपिकल इंटेरियर, दूसरे को अपन बोलेंगे एपिकल पोस्टीरियर। इस डायग्राम में भी अगर आपको दिख रहा होगा, एक है एपिकल इंटेरियर, दूसरा है एपिकल पोस्टीरियर। अब क्या होता है, 2D से मैं बताता ना तो तुम्हें ये इमेजिन नहीं होता, तो 3D से बताने का फायदा यही है। एक है इंटेरियर एपिकल, एक है इंटेरियर पोस्टीरियर, एक है इंटेरियर एपिकल, एक है पोस्टीरियर एपिकल और एक है ये वाला है आपका इंटेरियर साइड में, तो उसको बोलेंगे इंटेरियर। वहीं अगर अपन इस साइड देखें, इस साइड अपर लोब में, राइट के अपर लोब में अपन क्या, अपन ने देखा था उसमें था एक एपिकल, लेकिन यहाँ पे दो एपिकल है, एपिकल इंटेरियर, एपिकल पोस्टीरियर। तो यहाँ का बस यही एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे एक एपिकल था, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो एपिकल होते हैं, एक एपिकल इंटीरियर, एपिकल पोस्टीरियर। फिर यहाँ पे था एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर, तो यहाँ पे सिर्फ एक होता है इंटीरियर। उसके बाद यहाँ पे मिडल लोब तो होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोब रहते हैं, अपर एंड लोअर। तो इसने तीन दे दिए, देन बच्चे हुए टू ये हैं। ये एक आप देखो, एक सुपीरियर है तो एक इन्फीरियर है, तो इसका नाम है सुपीरियर और ये है इन्फीरियर। जैसा पोजिशन है वैसा ही इनके नाम है।
देन फिर अपन आते हैं लोअर लोब पे। ये क्या है, ये आपके सेकेंडरी ब्रोंकियाई। सेकेंडरी ब्रोंकियाई क्या देती है, ये सेकेंडरी ब्रोंकियाई। देन सेकेंडरी ब्रोंकियाई कहाँ चली जाएगी, आपके लोअर लोब में। और लोअर लोब में कितने ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट है, अपने हैं 5। देन ये इसने 5 टर्शरी ब्रांच दे दी। सबसे पहले बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक सुपीरियर तो एक सुपीरियर, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मीडियल रहता है ना, तो यहाँ पे मीडियल नहीं रहता, बाकी सेम है। बाकी दो इसके लेटरल और एक है पोस्टीरियर। फिर आप बोल रहे होंगे सर आपने तो 5 होने चाहिए यहाँ पे, आपने 4 बताए। एक्चुअली में क्या होता है, ये तो 7 वाली जो ये है, तो 7 और 8 एक दूसरे के एंटेरियर पोस्टीरियर ही होती है। तो मैं यही समझ रहा हूँ, तो तुम क्या उसको इमेजिन कर लेना कि 7 और 8 ये एक दूसरे के पीछे हैं, तो इससे मैं एक अकेले से डिनोट कर रहा हूँ। ये पूरा मैंने आपको ब्रोंकियल ट्री बता दिया। देन फर्दर फिर से मैं बताता हूँ, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया आपका डिवाइड होगा 2 प्राइमरी ब्रोंकस में। देन ये 2 प्राइमरी ब्रोंकस हर लोब के लिए अलग सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई देंगी। तो ये राइट में कितनी होती है, 3 लोब। तो 3 इसने सेकेंडरी ब्रोंकाई दे दी, अपर मिडल एंड लोअर। सेवनली लेफ्ट में 2 लोब थे, तो उसने अपर एंड लोअर दे दिया। देन जो अब एक लोब जो है अपर लोब, उसमें कितने रहते हैं, 3 सेगमेंट। तो इसने ये आपकी 3 टर्शरी ब्रोंकाई दे दी। मिडल में 2 होते हैं, तो 2 दे दी। देन लोअर में 5 होते हैं, तो यहाँ 5 दे दी। सिमिलरली लेफ्ट वाले साइड में तो सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है उसने कितनी टर्शरी दी आपकी, 5, क्योंकि यहाँ पे 5 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। और इस साइड भी इसने लोअर लोब में भी दी 5, क्योंकि यहाँ पे 5 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। तो आपको पूरा ये जो था आपको इमेजिन हो गया होगा। तो इसको अपन फर्दर और डिटेल में देख लेते हैं। तो ब्रोंकियल ट्री में यहाँ पे ये लिखा है, जो ट्रैकिया है वो आपका 2 प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकियाई में डिवाइड हो रहा है, राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट। फिर ये जो ईच प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो लंग्स में एंटर कर जाते हैं अपने थ्रू हाई लंग्स। उसके बाद जो प्राइमरी ब्रोंचाई होती हैं वो आपकी डिवाइड हो जाती हैं सेकेंडरी में। और जो सेकेंडरी जो रहती है ना, हर लोब के लिए एक सेकेंडरी ब्रोंचाई होती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें जो राइट लंग है उसमें 3 लोब होते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई दिख जाएंगी। और लेफ्ट में 2 होती हैं, तो आपको 2 सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई दिख जाएंगी। देन ये ईच लोबार ब्रोंकाई जो है वो आपको टर्शरी में डिवाइड हो जाती हैं, 1 फॉर ईच ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट, हर ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट के लिए। तो दोनों साइड 10-10 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट है, तो आपके 10-10 में डिवाइड हो जाएगी। और क्या होता है, जो टर्शरी ब्रोंकाई जो है उसके टर्मिनल सेगमेंट को अपन बोलने लगते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। तो अब अपन जो है ये ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट जो है, मतलब अपन ने जो भी जो एक अपन ने जो 10 सेगमेंट पढ़े थे, उन 10 सेगमेंट में से अपन एक सेगमेंट को अपन और डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो उसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बता दिया। अब यहाँ पे जो है 2 है, यहाँ पे 2 आपको ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट दिख रहे होंगे। तो अपन सिर्फ एक के ऊपर अभी फोकस करते हैं कि एक ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर आप ये देख रहे हो, तो ये एक ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट जो है ये आपका कुछ जो है पिरामिडल शेप का है, और उसका जो एपेक्स जो है वो रूट ऑफ लंग्स की तरफ है। उसके अलावा ये जो एक पल्मोनरी सेगमेंट जो है वो आपका दूसरे सेगमेंट से एक कनेक्टेड टिश्यू के कारण सेपरेट होता है। ये आप देख पा रहे हो कनेक्टेड टिश्यू, उसके कारण वो सेपरेट होता है। उसके अलावा अपन देखते हैं इसका कंटेंट। तो इसके अंदर एक तो आपका होता है टर्शरी ब्रोंकियोल, मैंने आपको बताया था ना हर सेगमेंट के लिए अपना खुद का एक टर्शरी ब्रोंकियोल होता है। तो एक इसके अंदर होता है टर्शरी ब्रोंकियोल। देन इस ब्रोंकियोल को भी तो अपन को आर्टरी नर्व सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस टर्शरी ब्रोंकियोल के लिए रहता है उसकी खुद की आर्टरी और उसकी खुद की वेन, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन। उसके अलावा एक रहता है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है हार्ट से। उसके अलावा एक आपका होता है पल्मोनरी वेन। अगर आप देख पा रहे हो, जो पल्मोनरी वेन जो है वो आपका जो मतलब सेगमेंट के अंदर नहीं है, ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट के अंदर पल्मोनरी वेन नहीं होता। तो उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। एक्चुअली में जो पल्मोनरी वेन जो है वो अपना कहाँ रहता है, वो इंटर सेगमेंटल, ये जो कनेक्टेड टिश्यू है ना, उस कनेक्टेड टिश्यू के अंदर रहता है। जो 2 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट को जो कनेक्टेड टिश्यू जो सेपरेट करता है, उस कनेक्टेड टिश्यू के अंदर आपका रहता है पल्मोनरी वेन। और ये आपका जो है टर्शरी ब्रोंकस है, तो उसके एंड वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं,
रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, जिसके अंदर रहती है आपकी एल्वियोली। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से जो अपना पूरा लंग्स काम करता है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन ले आए पल्मोनरी आर्टरी से। देन ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये एल्वियोली आएगी, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक नेटवर्क बना लेंगी। तो यहाँ से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। देन फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ये पल्मोनरी वेन आपका ले जाता है, कहाँ पे, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, कहाँ पे, आपके हार्ट में वापस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ले जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट। तो यहाँ पे यही लिखा है, देर आर 10 सेगमेंट होते हैं, दोनों साइड अपने 10 10 है। उसके बाद इसका डेफिनेशन क्या है, ये जो है एक वेल डिफाइंड है एनाटॉमिकल फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर। अब सर्जिकल क्यों, क्योंकि क्या होता है जब अपना लंग्स कैंसर होता है, इसको अपन क्या है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस होता है हर ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट का। अगर लंग्स है, अगर लंग्स में अगर एक सेगमेंट में कैंसर हो गया तो ऐसा नहीं अपन पूरा लंग्स से निकाल के फेंक देंगे, अपन क्या करते हैं सिर्फ एक पल्मोनरी सेगमेंट को अपन कट करके रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा ईच सेगमेंट इज एएटेड बाय, मतलब जो ईच सेगमेंट है उसमें हवा किससे आ रही है, एयर किससे आ रहा है, उसमें आ रहा है टर्शियरी ब्रोंकस से। देन मैंने आपको बताया पिरामिडल शेप का होता है, एपेक्स कहाँ रहता है, टूवर्ड रूट्स। देन फिर अपन देखते हैं एक सेगमेंट में क्या है, एक सेगमेंट में आपका रहता है सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी और उसकी ही नर्व। देन जो सेगमेंटल वेन जो है, मतलब जो अपनी पल्मोनरी वेन जो है, वो एक्चुअली में कहाँ पे होती हैं, कनेक्टेड टिश्यू में लाए करती हैं। देन ये वाली कोई लाइन लिखी है, ड्यूरिंग द सेगमेंटल रिसेक्शन, मतलब पूरा सेगमेंटल निकालने में सर्जन क्या करते हैं, ये वेन है, अब वेन क्या है कनेक्टेड टिश्यू में रहती है, तो क्या करता है सर्जन जो है सेगमेंटल वेन के उसमें काम करता है और पूरा आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट निकाल लेता है। उसके बाद अपन देखते हैं रिलेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अभी जो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये अच्छे से आप कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आपका एक सेपरेट ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट में है और हर ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट में क्या है, ब्रोंकाई। तो यहाँ पे ये लिखा है जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो किसके साथ एक कंपनी होती है, ब्रोंकाई के साथ, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो सेगमेंट के अंदर तो है नहीं, वो एक्चुअली में किस में, कनेक्टेड टिश्यू में है। तो जो पल्मोनरी वेन जो है डू नॉट एकम्पनी द ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई में आपको कंपनी नहीं कर रहा, ये एक्चुअली में कहाँ होता है, इंटर सेगमेंटल प्लेन में ये होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट रहते हैं। और अगर कभी शॉर्ट नोट अगर यूनिवर्सिटी में लिखने को आता है तो अपन देखते हैं किस तरीके से लिखना है। तो अगर कभी भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया कि ब्रोंकियल ट्री एंड ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो जितना मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है ना उसी कंटेंट में आप लिख देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट कंटेंट है अपना एक शॉर्ट नोट के लिए। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ये लिखना कि जो ट्रैकिया है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट, और फिर ये पूरा जो राइट वाला है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी वाला ईच लोब के लिए अलग रहता है, इसलिए तीन लोबा ब्रोंकाई होंगे राइट में, सेकेंड में 2 होंगे, देन सेकेंड टर्शियरी में डिवाइड होगा, फिर टर्शियरी हर सेगमेंट में, फिर टर्शियरी क्या होगा, हर ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट के लिए एक टर्शियरी होता है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना मेरे नोट्स, उसी सीक्वेंस में आप यूनिवर्सिटी में लिख के आ सकते हैं। देन ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट को भी आपको ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले डायरेक्ट लिख देना 10 सेगमेंट होते हैं राइट में, 10 लेफ्ट में, फिर बिल्कुल पॉइंट में लिखो, मतलब क्या है यूनिवर्सिटी में मेन अपन को क्या पॉइंट्स पैराग्राफ में ना लिखते, तो मेन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो है पॉइंट्स में लिखने की हैबिट डालो, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर ये नहीं देखता कि तुमने कितना बड़ा बड़ा क्या लिखा है, वो ये देखता है कि आपने किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करा है, तो आपकी प्रेजेंटेशन देखता है वो, और देखता है क्वालिटी कंटेंट कि आपने काम की बात लिखी कि नहीं लिखी, कुछ फालतू तो नहीं लिखते गए। तो उसके लिए तुम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना, पहले डेफिनेशन, उसके बाद ये किससे एरिएटेड हो रहा है, देन कौन से शेप का है, फिर उसके अंदर क्या क्या है, जो वेन है वो कहाँ पे है, देन रिलेशन टू पल्मोनरी आर्टरी के रिलेशन एंड पल्मोनरी वेन के रिलेशन, दोनों के रिलेशन लिख देना, और ये एक ये वाला डायग्राम बना के आ जाना। लेकिन मेनली अगर लंग्स में क्वेश्चन आता है ना तो वो रूट ऑफ लंग्स से ही शॉर्ट नोट में आता है,